सो गाइज मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं छह पॉइंट्स विच मेक्स यू अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑब्वियसली इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 10 इयर्स तो काफी मेरी बात होती रहती है स्टूडेंट से एंड मैं आपको बता सकता हूं कुछ बातें जो एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जिसने फॉलो की थी और उसके नाम के आगे लग गया CA. जी हाँ, उसने अपने रिजल्ट में देखा पास. फॉलो दीज सिक्स थिंग्स. सबसे पहला है उसमें अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ठीक है, आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस हो जाना चाहिए. स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. तो उसमें जो वीकनेस वाला पार्ट है ना उसके ऊपर फोकस करो. अभी भी आपके पास टाइम है, मत भागो उससे दूर. एक बार अपने को कई बार लगता है कि यार छोड़ना, ये बाद में देख लूंगा, वो बाद में कभी नहीं आएगा. अभी भी आपके पास 25 डेज है. एंश्योर कि वो वीकनेस को आप प्रॉपरली देख लो, थोड़ा उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम लगा लो एंड गेट इट डन एंड डस्टेड. अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड वर्क ऑन इट रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट. एक रिसर्च एज पर हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड, उनका मानना है कि आज की तारीख में अगर किसी का भी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है ना, उसका खाली एक ही कारण है, भले ही वो स्टूडेंट हो या भले ही वो काम करने वाला इंसान, एंड आप मानो या ना मानो वो है ये आपका मोबाइल फोन. इसका त्याग नहीं कर सकते हो, इससे दूर रहने का डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो, देन भूल जाओ लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे. गेट इट स्ट्रेट इन योर हेड. आर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस मोबाइल एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स अ डे? मतलब अगर आपका दिन का 12 घंटा पढ़ाई हो रहा है तो उसमें से 8 से 10 घंटा ये आपके नजरों से दूर रहना चाहिए. देयर इज ओनली वन वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पुट योर मोबाइल फोन इन एयरप्लेन मोड फुल स्टॉप. कभी आप ये डिसाइड करने की गलती मत करना कि इंस्टीट्यूट को क्या पूछना चाहिए और इंस्टीट्यूट को क्या नहीं पूछना चाहिए. इसका मतलब डू नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन. जितना आप और मैं सोचते हैं उससे कहीं आगे इंस्टीट्यूट का पेपर सेटर सोच चुका है एंड दो पेपर वो ऐसे निकालेगा ही निकालेगा जहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड. अब वो कौन सा पेपर होगा वो किसी को नहीं पता है. तो एज अ स्टूडेंट अपना काम है सब के सब चैप्टर्स स्पेशली नुक एंड कॉर्नर्स वाले बराबर से करके जाएंगे एंड सबको इक्वल वेटेज देंगे रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वन और टू थिंग. जैसे AFM में लोग पूछते हैं, सर ये वाला चैप्टर छोड़ दिया तो चलेगा क्या? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सर इजी है, नहीं किया तो चलेगा क्या? या स्किप किया तो चलेगा क्या? डोंट डू दैट मिस्टेक. यू नेवर नो, कई बार होता है एक दो चैप्टर के ऊपर फुल फोकस करके इंस्टीट्यूट 20-30 मार्क का पूछ लेता है, तब क्या करोगे? सो इट इज बेटर फॉर अस दैट वी डू एवरीथिंग रादर देन प्रिडिक्टिंग द ट्रेंड. It will never ever happen. एक बात याद रखना, ये ICAI का एग्जाम है तो ICAI का कंटेंट इज मोर देन सफिशियंट. और कुछ आपको ज्यादा इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है. सो इफ यू आर डन थरोली विद दैट, उसी चीज को बार बार रिवाइज करो. एक कहावत है जो ध्यान से सुनना, रादर देन रिवाइजिंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, रिवाइज द सेम बुक मल्टीपल टाइम्स विल गिव यू बेटर रिजल्ट. लास्ट 30 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन एक थंब रूल फॉलो करो, ईट वेल स्लीप वेल, फिक्स्ड स्लीपिंग पैटर्न 6 से 7 घंटा, दैट्स इट. 1 मिनट भी 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, 1 मिनट भी 6 घंटे से कम नहीं सोना है. और कब वो आपका स्लीप का टाइमिंग है वो एकदम डिसिप्लिन के तरह फिक्स्ड होना चाहिए. एंड इन टर्म्स ऑफ ईटिंग ऑल्सो, ईट फूड विच यू लाइक. थोड़ा बहुत इधर उधर एट टाइम्स बाहर का भी चलेगा, फ्रूट्स खाओ एंड यू नो हंसी खुशी से रहो, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी हेल्दी. बिकॉज अपने को बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है तो उसके लिए खाना भी अच्छा होना चाहिए एंड स्लीप भी एक रेगुलर पैटर्न में सेट हो जाना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे विद पॉजिटिव पीपल. यार मेरा ना FR का पेपर बहुत खराब गया था एंड ट्रस्ट में उसके बाद मेरा एक मोटिवेशन ही चले गया था एग्जाम देने का. तो मैं घर पे आया, मैंने घर पे सीरियसली बोल दिया कि यार मैं नहीं देना है मेरे को आगे का पेपर, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, रैंक लेके आऊंगा. पेरेंट्स ने बोला कि भाई देख कोई बात नहीं, इट्स ओके, पेपर खराब गया है, स्टे पॉजिटिव. सो उन्होंने एक मेरे को अच्छा पुश दिया. ठीक है, अभी अगर वही मैं सब फ्रेंड्स को फोन करता, रोना धोना करता और दूसरों का सुनता, कोई मतलब नहीं होगा उससे. आपको पता है उस दिन मैंने क्या किया? मैं सो गया, ऑब्वियसली एकदम डिप्रेस था. मैंने बाहर से खाना मंगवाया, तो अभी मैंने आपको बोला ना ईट वेल, तो जो अच्छा लगता है वो खाओ, बट थोड़ा थोड़ा लिमिटेड वे में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है. तो मैंने बाहर से खाना मंगाया, थोड़ा मन को अच्छा लगा एंड देन अगेन आई गॉट बैक टू वर्क, गॉट बैक टू स्टडीज एंड क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ SFM जो हमारे टाइम पे होता था विद एन एग्जेम्पशन. सो स्टे विद पॉजिटिव पीपल. कब थोड़ा 1-2 घंटा भी उनके साथ थोड़ा अच्छा बात हो गया, आप लोगों का मोमेंटम ही अलग हो जाएगा एंड देन आगे बढ़ेंगे अपन लोग अच्छी तरह से. अच्छी तरह से पढ़ाई करो,
दिस इज द बेस्ट टाइम. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ये एग्जाम क्लियर करने के लिए. इट इज नाउ और नेवर, तो कर लो ना नाउ ही. क्या बोलते हो, कौन सा कमेंट आपको सबसे रिलेट कर पाए एंड विच यू आर गोइंग टू फॉलो, ये आपको मुझे बताना है. मिलते हैं अगले सेशन में. हस्ता ला विस्ता, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड.